नमस्कार दोस्तों, आपके समक्ष मैं वापस हाजिर हूँ, आपका दोस्त। आज तारीख है 5 जून 2021 में हम खड़े हैं। हमारा यहाँ अभी जून का महीना शुरू हुआ है, कुछ बरसात शुरू हो जाएगी 15 दिन में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं खेत में आया हूँ, शनिवार का दिन है। देखिए, हमने यहाँ पे नर्सरी तैयार की थी और ये नर्सरी में हमने बैग में भरा था। जैसे मैंने आपसे कहा, हमें यहाँ पे इसे सर्जियन कहते हैं, शेवका कहते हैं मराठी में, इंग्लिश में कहते हैं ड्रम स्टिक्स, खाने की हाँ बजाने की नहीं। तो ये ड्रम स्टिक्स हमने यहाँ लगाई है, खेती हम तैयार कर रहे हैं वहाँ पे, खेती बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। लेकिन ये ड्रम स्टिक्स के अंदर में दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि ड्रम स्टिक्स के हमने क्या किए थे, बीज मंगाए थे। ये हमने किसी सप्लायर से, कोई किसान से बीज खरीदे थे। हो सकता है हमारे यहाँ कुछ खरीदने में गड़बड़ हुई या उसके भेजने में गड़बड़ हुई, ये हमारे यहाँ फसल बराबर आ नहीं सकी। हमने बैग में कुछ आधी मिट्टी, कुछ इसमें काउडंग जिसे हम कहते हैं, गोबर कहते हैं, गाय का जो हमारा ऑर्गेनिक खाद होता है वो हमने इसके अंदर में लगाया है। उसमें कुछ गोमूत्र है, कुछ उसमें हमने कुछ फर्टिलाइज़र दिया है। तो ये हमारे गोपाल पाटिल है, इसके अंदर में देखते हैं। गोपाल, इधर आओ, बताएंगे इनके अंदर में क्या क्या किया आपने, पूरा डिटेल बताओ, कैसे किया आपने, कैसे भिजाया, कितने दिन भिजाया और नर्सरी कैसे लगाया, नर्सरी पूरी डिटेल बताओ इसमें। सबसे पहले तो हमने बैग भर ली मिट्टी और वो गोबर से, गोबर का खत लिया हमने, मिट्टी में मिक्स करके उसको थोड़ा मुलायम कर लिया रोटावेटर से, नीचे थी मिट्टी करके। उसके बाद में बैग्स भर लिए हमने आधी आधी। उसके बाद में बीज मंगाए, बीज मंगाने के बाद में वो बीज को 14 घंटे तक पानी के अंदर भिगा के रखा, पानी की भिगाते हैं अपन पानी में, इसके लिए थोड़े कड़क रहते हैं तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब जल्दी जर्मिनेशन हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद सुबह फिर बैग्स गिल्ली करके उसके अंदर बीज लगा दिए, गड्ढा किया ऐसा, हाँ, थैली में एक इंची गड्ढा करके, एक इंच गड्ढा किया थैली के अंदर में, और उसके अंदर में उंगली से ही गड्ढा किया और उसमें बीज दबा दिया और मिट्टी से उसको ऊपर ढक दी, ऊपर मिट्टी, फिर पानी थोड़ा सा उसके ऊपर में छिड़क दिया। सुबह शाम दो बार पानी देते थे आप? दो बार पानी देते थे इसमें नर्सरी के अंदर में, और धूप थी, कड़ाके की धूप थी, लेकिन जर्मिनेशन तो मुझे कम दिख रहा है आपका। ये टोटल आपने कितने झाड़ लगाए यहाँ पे, अंदाज? 15,000 बैगे हैं, तो उसमें से तो जर्मिनेशन कम दिख रहा है मेरे हिसाब से। जर्मिनेशन तो आपका करीब 2,000-3,000 के ऊपर नहीं दिख रहा होगा झाड़। क्या प्रॉब्लम है आपका बताइए? ये सब गर्मी की वजह से हुआ है, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप थी, इतना पानी मारते थे उतना गर्मी से वो आज। तो आपको पूरी मेहनत करना पड़ेगी, अभी बीज वापस लगाना पड़ेंगे। हाँ, बीज वापस मंगा के वापस डालने पड़ेंगे बीज। ठीक है, तो आपने जिसे अपने किसान से मंगाया था उनसे बीज वापस मंगाएंगे, वापस लगाएंगे, तो ये गलती आपके यहाँ मत करिएगा। ये कि आपको कहना, हमने सोचा था इन्होंने शेड लगाया यहाँ, शेड की वजह से होगा, इसको शेड नेट में या इसको प्रॉपर से कोई शेड शेडो के अंदर में इसको बीज को लगाना चाहिए। ये भर धूप के अंदर में इन्होंने लगाया था, ये करीब तकरीबन 15 तारीख को लगाया होगा आपने, 15 मई को, 15 दिन होगा इनके, 15 मई को इन्होंने लगाया था यहाँ पे। तो ये देखिए, इतना ही जर्मिनेशन आया, गलती की वजह से दंड भुगतना पड़ रहा है। जल्दी से अभी बीज मंगाएंगे और लगाएंगे, और लगा करके आपको हम जल्दी जल्दी 6 महीने के अंदर में, क्योंकि 4 से 6 महीने में फसल आ जाती है, आपको खिलाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देखें, आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और काफ़ी लोगों का आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पास ऑन करनी होगी, तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।